नमस्कार, फर्स्ट न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे आपके साथ। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। ओबरा रेणुका नदी घाट पर बड़े धूमधाम से मनाई गई देव दिवाली। बता दें, सोनभद्र के ओबरा में दिवाली के 15 दिनों बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला देव दीपावली का पर्व स्थानीय रेणु नदी छठ घाट पर शाम को धूमधाम से सामाजिक प्रगति परिषद के अध्यक्ष सुशील मिश्रा संग्राम के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान 25,000 दीपकों की रोशनी से पूरा रेणुका नदी छठ घाट जगमगा उठा। देखिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार उपाध्याय की ये रिपोर्ट। सर बताएं, यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का कार्यक्रम किया जाता है, जो विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है। कितनों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं? लगभग 15,000 से 20,000 की संख्या में पूरे सोनभद्र से लोग जगह जगह से घूमने के लिए और पर्यटक स्थल के नाम पर और देव दीपावली के नाम पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने लोग आते हैं। देव दिवाली का जो मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि दीप प्रज्वलित करके एक जहाँ अंधेरा है, जहाँ एक एक चीज़ की रोशनी की जरूरत है, वहाँ दीप दान करके रोशनी के माध्यम से यह बताया जाता है कि हर आदमी के सुख दुख में इस तरह खड़ा होकर उसके लिए रोशनी पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, जिससे उसके जीवन में एक सुंदरता आए। ये प्रोग्राम कब तक चलेगा आपका? सुबह कल 23 नवंबर है और 23 नवंबर दिन सायंकाल 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलता है कार्यक्रम। लगभग कितने दीप जलाए जाते हैं इस पर? 25,000 हर साल दीप जलाए जाते हैं और घाटों को सजाया जाता है। क्या व्यवस्था है घाट की? घाट पर सर सफाई है और घाट पर सजावट है। बनारस के आचार्य द्वारा आरती कराई जाती है। बड़े हर्षोल्लास के साथ शीतला धाम मंदिर बड़पुर में बाबा निमकौड़ी की शोभा यात्रा, भंडारा और सुंदरकांड के साथ कार्यों का समापन। शीतला धाम मंदिर बड़पुर फरुखाबाद दिन के 12 बजे गाजे बाजे के साथ शीतला धाम मंदिर बड़पुर से बाबा निमकौड़ी की शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जो मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए पांडाबाग मंदिर तक जाकर पुनः बड़पुर शीतला धाम मंदिर आकर अपने कार्य स्थल पर शोभा यात्रा का कार्य संपन्न किया। इस दौरान रास्ते में कई स्थलों पर बाबा की शोभा यात्रा रथ पर पुष्प वर्षा करके उनकी प्रतिमा को सम्मानित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भारी भीड़ देखने को मिला। देखिए फरुखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सर जी, आपका नाम? आपकी ड्यूटी ये नीम करोड़ी बाबा के शोभा यात्रा में लगाई गई थी, तो शोभा यात्रा कुल मिलाकर पूरी तरह सफल रही? बहुत अच्छा लगा, बहुत तरीका अच्छी तरीका से व्यवस्था रही और आप लोगों ने पूरा भी सहयोग किया, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और आप लोगों का पूरा सहयोग रहा। आपका नाम? कहाँ से आया? नीम करोड़ी से। यहाँ किस परियोजन से आए? किस परियोजन से आए हैं? स्थापना के बाद क्या कार्यक्रम है? और कोई कार्यक्रम है यहाँ? यहाँ पे कलश यात्रा है, संध्या में भी कोई प्रोग्राम है, शाम में भी कोई कार्यक्रम है? शाम में कोई कार्यक्रम है? आचार्य को जानकारी हो, किसकी जानकारी हो, आपका नाम? अनन्या जी, आपको आप यहाँ किस कार्य से आए थे? शोभा यात्रा हो रही है इसलिए आए थे यहाँ पे। किसकी शोभा यात्रा? बाबा जी की, नीम करोड़ी बाबा की। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। यहाँ किस कार्य से आए हो? हम यहाँ नीम करोड़ी बाबा जी की मूर्ति स्थापना हो रही है, उसके लिए हम लोग यहाँ शोभा यात्रा के लिए आए हैं। शोभा यात्रा में आके कैसा लग रहा है आपको? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। वर्मा जी, ये नीम करोड़ी बाबा की स्थापना के दौरान जो शोभा यात्रा चली है, यह यात्रा कितनी सफल मानी जाए? 100% सफल है ये यात्रा, 100% सफल मानी जाए। तो क्या बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बरसेगी? सभी पे बरसेगी, सभी पे बरसेगी। संध्या में क्या कार्यक्रम है? संध्या में अब ये शोभा यात्रा के बाद पूर्ण आहुति है और भंडारा है, भंडारा रात्रि तक चलेगा। भंडारा पूरे जिले के लिए या पूरे किसी क्षेत्र के लिए? पूरे हर इच्छा सभी के लिए, सभी के लिए, हर हर जात के लिए। कुल मिलाकर कहे बाबा नीम करोड़ी की यात्रा जो शोभा यात्रा पूर्णतः सफल मानी जाए? 100% सफल रही है और
और एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये कि आज हमारे साथ काफी लोग काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं। प्रशासन का सहयोग है, प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा आज। इस सफल योजना का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, बाबा को या कार्यकर्ताओं को? बाबा को, बाबा जी को देंगे। बाबा जी का कार्यक्रम है, बाबा जी के करवा रहे हैं सब कुछ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों के हाथ में है नहीं कुछ, वही करवा रहे हैं। चलिए आपकी यात्रा सफल है। जगदम्बनी ऋषि के घाट पर देव दिवाली, गाजीपुर के जमानिया के बलुआ घाट पर कार्तिक पूर्णिमा की रात पूरी घाट डीपो से जगमगा, जो देखने में अति सुंदर लग रहे थे। घाट पर रात में गंगा आरती का भी कार्यक्रम रहा, जिसमें जमानिया के चेयरमैन एहसास जफर समेत और भी लोग शामिल रहे। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर इकबाल की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह का मंडल युक्त मोर्चा ने किया जोरदार स्वागत। बता दें सोनभद्र ओबरा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह के सोनभद्र प्रथम आगमन पर चौपन मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष संदीप सिंह के नेतृत्व में शारदा मंदिर चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। देखिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार उपाध्याय की ये रिपोर्ट। हम जानते हैं कि पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ है। निश्चित तौर पर अगर उनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अगर इसमें कोई भी अधिकारी पाया जाता है तो उस पर संगठन और सरकार दोनों लोग कार्रवाई करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम जगहों पर पत्रकारों के ऊपर एक तो दूसरा भी पक्ष रहता है कि कभी कभी किसी गलत चीजों को लेकर के कोई पैरवी कर रहा है, और हम उसे जब उनके ऊपर कार्रवाई होने की बात होती है तो हम अपना दूसरा पक्ष रखने लगते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि पत्रकारिता का काम हमको पत्रकारिता के तरीके से करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत चीजों को व्यक्तिगत तरीके से करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आपने जो विषय कहा, और हमें लगता है कि अगर इसमें कोई भी दोषी अधिकारी है, गलत तरीके से किसी को फंसाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से इसका विरोध करती आ रही है कि किसी भी पत्रकार को या किसी भी आम नागरिक को इस तरीके से फंसाया नहीं जाना चाहिए। और हम सभी लोग इसकी जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। हाँ सर, आपका नाम? यहाँ आने का क्या मतलब? आज यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हर पदाधिकारी प्रवास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज सोनभद्र जिले में प्रवास था, जिसमें अभी आने वाले समय में युवा संसद का एक विशेष अभियान लेकर के युवाओं को जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में एक नया अभियान, एक राष्ट्र एक चुनाव, हमारे एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए, ऐसा प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है कि हमारे देश में जिस प्रकार से चुनाव के माध्यम से प्रतिवर्ष चुनाव होते हैं और एक बड़ा खर्च हमारे देश का पैसा खर्च होता है,
उसी क्रम में कि हमारे देश में अगर तमाम चुनावों को एक चुनाव किया जाए, सारे चुनाव एक बैनर पे हो, एक समय पर हो, तो सारे तंत्र और प्रशासन का भी पैसा ही बचेगा। इस क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहल की है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही ऐसा प्रयास कर रही है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाए, ताकि इस सिस्टम का जो पैसा है जिसपे सरकार खर्च करती है, हम प्रतिवर्ष देखते हैं कभी लोकसभा चुनाव कभी राज्य के चुनाव आने के कारण हमारे जो तंत्र है वो हमेशा उसमें प्रभावित रहते हैं। उसी क्रम में यह एक वैचारिक लड़ाई लड़ करके सरकार को भी प्रेरित करने का काम कर रही है, और उसी प्रकार से हमारे युवाओं के दो बिंदुओं पर, एक राष्ट्र एक चुनाव, दूसरा वर्तमान समय में युवाओं की भूमिका, ऐसे दो विषयों पर एक युवा संसद के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 6 स्थान पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, और 6 स्थानों पर उस यह काशी क्षेत्र का कार्यक्रम प्रयागराज में होना सुनिश्चित हुआ है। प्रत्येक जिले से 50 की संख्या में युवा, चाहे वह यूथ आइकॉन हो चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, लेकिन यूथ होना चाहिए, ऐसे तमाम सभी वर्गों के लोगों को ले जाकर के हम एक डिबेट के माध्यम से उनको संगठन में भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनको लीडरशिप देने का भी प्रयास करें। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा 2019 के तैयारी में पूरी तरीके से कार्यकर्ता मंडल स्तर से लेकर के सेक्टर स्तर तक अपना गठन कर चुके हैं। आगे भारतीय जनता युवा मोर्चा बूथ स्तर तक के गठन के लिए अग्रसर है, और हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 2019 के चुनाव की तैयारियों के लिए लगे हुए हैं। इस ये अयोध्या वाले मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? अयोध्या के मुद्दे पर यह है कि जहां पर राम मंदिर था वहां राम मंदिर बनना चाहिए, और निश्चित तौर पर यह हिंदुओं की आस्था का विषय है, और जो भी निर्णय न्यायालय देगा उसके अनुसार राम मंदिर। विश्व हिंदू परिषद की भी रैली होने वाली है वहां पे जी, तो उस संबंध में क्या कहना? विश्व हिंदू परिषद की रैली का समर्थन करता है जी, भाजपा इसका समर्थन करता है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद हमारे वैचारिक हमारे उनके संबंध है, कहीं पर भी हमारी आस्था और उनकी आस्था मेल खाती है, तो हम सभी लोग जो है वो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा, ये जनपद सोनभद्र में पत्रकारों पर लगातार मुकदमा हो रहा है, जैसे कि पिछली सरकार में पत्रकार आत्महत्या करने में मजबूर हो गए थे, तो क्या इस सरकार में भी लगातार मुकदमाबाजी हो रही है, संबंध में क्या कहना? अभी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, ये बताइए भाजपा सरकार में भी जो SC ST लागू किया है उसके बारे में क्या कहना है? जौनपुर में किया गया श्री रामचरित मानस का अखंड 24 घंटे के पाठ का विशेष आयोजन। जौनपुर जलालपुर के एक शिक्षित आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक गांव मजगवा कला में रामास्त्री किशुन सिंह अनिल वकील सिंह के यहां रामचरित मानस का अखंड 24 घंटे के पाठ का विशेष आयोजन किया गया। देखिए जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।